हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, वी आर स्टडिंग अबाउट, क्या टॉपिक है अपना मालूम है क्या? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इसमें दो आंसर छुपा है, एक अर्बन और एक रूरल। अर्बन मतलब सिटी होता है, सिटी में कैसे गवर्नमेंट होता है कौन समझते हैं, जो सिटी का गवर्नमेंट होता है उसको म्यूनिसिपल गवर्नमेंट बोलते हैं, BMC हमारे महाराष्ट्र मुंबई का, और रूरल गवर्नमेंट को पंचायती राज बोलते हैं। अब दोनों आंसर को शॉर्ट में समझाता हूँ और दोनों आंसर के लिए एक ही आंसर है, कैसे लिखना है पहले वो बताता हूँ, राइट। तो सबसे पहले मेन टॉपिक डिस्कस करते हैं जो तुमको दोनों आंसर में लिखना है, चाहे वो गांव का गवर्नमेंट हो या शहर का गवर्नमेंट हो, ऑब्लिगेटरी फंक्शन मतलब उसको ये काम करना ही पड़ता है। तो ये वाला आंसर जो मैं रेड पेन से टिक मार कर रहा हूँ दोनों में लिखना है, राइट। तो पहला क्या है, अगर कोई भी सरकार होता है, BMC हो, शहर का हो या गांव का हो, ग्राम पंचायत हो या शहर का म्यूनिसिपल पंचायत हो, उसका क्या काम करने का है BMC का या गांव का? कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड, ये रोड बनाने का काम पहला है। इसकी पहली ड्यूटी क्या है, अच्छा रोड मरम्मत करे, क्लीन वाटर अपने सिटीजन के लिए, अच्छा पानी साफ पानी का इंतजाम करे, और स्ट्रीट लाइटिंग हर शहर में लाइट हो रोड पे, रिमूवल ऑफ गार्बेज कचरगुंडी, अच्छा डब्बा डंपिंग ग्राउंड प्रॉपर होना चाहिए, सैनिटरी साफ सफाई, हेल्थ केयर होना चाहिए, हॉस्पिटल, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, कितने पैदा हुए कितने मरे उसका हिसाब होना चाहिए, ब्रिज का मेंटेनेंस होना चाहिए, जो पुराना बिल्डिंग्स है हेरिटेज है जो जिससे देश की शान होती है उसको ख्याल करना चाहिए, प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी बोलो तो KG हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, उनका अच्छे से ऑपरेशन होना, ऑपरेशन मतलब बार-बार देखना है कि सही है कि नहीं है, डिस्पेंसरीज जो हेल्थ क्लिनिक हो, और नेमिंग की स्ट्रीट्स को नाम दो। तो ये इसका बेसिक, ये ऑब्लिगेटरी फंक्शन है, करना ही है, हर गवर्नमेंट को ये काम करना ही पड़ता है, किसी की भी सरकार हो ये समाज के लिए करना ही पड़ता है। और एक डिस्क्रिमिनेटरी फंक्शन मतलब ऑप्शनल, अगर और पैसा फंड अवेलेबल है तो ये काम करना चाहिए, सर्वे करना चाहिए पॉपुलेशन के रिलेटेड, बिल्डिंग के रिलेटेड, आप जनता के ऊपर, जनता से, जनता का जो भी सवाल है उसका जवाब दो, पार्क्स बनाओ, गार्डन बनाओ, लाइब्रेरी बनाओ पब्लिक के लिए, राइट, ये सब बनाने का काम है। ऑर्फेनेज मतलब अनाथ आश्रम, रेस्क्यू होम फॉर वुमेन, ओल्ड एज होम, स्ट्रीट चिल्ड्रेन जो बेघर बच्चे उनके लिए इंतजाम करो, राइट। तो ये सब क्या है, फंक्शन से, चाहे तुमको अर्बन आवे या रूरल आवे, ये फंक्शंस तुमको लिखना ही है, राइट। अब अर्बन में कौन सा गवर्नमेंट होता है, कौन संभालता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अर्बन में कौन संभालता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो उसमें कौन होता है, पहले काउंसिल होता है, कौन होता है, काउंसिल जो हर एक वार्ड्स का होता है, फिर उसके बाद कौन होता है, मेयर आता है, डेप्यूटी मेयर आता है, राइट। ये ग्रेट ऑनर होता है, डिग्निटी रहता है बड़े, और मेयर कौन होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी, सिटी का फर्स्ट सिटीजन होता है, राइट। और मेयर की जगह पे ड्यूटी कौन संभालता है, डेप्यूटी संभालता है। फिर होता है म्यूनिसिपल कमिश्नर जिसको CEO बोलते हैं, राइट। ये कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट, कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट। और इन सबका देखभाल करने वाला कौन है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो सबके ऊपर एक एक लाइन डाल देंगे तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट आ जाएगा। एक सेकेंड ना बच्चे लोग, हाँ 74, 73, राइट, क्या दिया, एक मिनट, एक चीज़ समझाने का था, हाँ 74 अमेंडमेंट, ओके 74। तो जो 74 अमेंडमेंट आएगा ना, 74 अमेंडमेंट, तो तुमको अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में डालना पड़ेगा, राइट। तो ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा, फिर ये फंक्शन तुम लोग एक्सप्लेन करा देंगे। तो हो गया अर्बन गवर्नमेंट, फिर अर्बन के बाद क्या लिखने का, रूरल गवर्नमेंट। तो रूरल मतलब होता है गांव खेड़ा, तो गांव खेड़े में जो गवर्नमेंट होता है, तो गांव खेड़े में गवर्नमेंट नहीं होता, पंचायत चलती है, उसको बोलते हैं पंचायत राज। क्या बोलते हैं, पंचायत राज। तो जो गांव के गवर्नमेंट होते हैं, जो गांव का देखभाल करने वाले रूरल पीपल को, वो पंचायत राज होता है। और पहली बार पंचायत राज सिस्टम कहाँ बना था, राजस्थान में बना था, कहाँ बना था, राजस्थान में। तो पंचायत सिस्टम तीन में डिवाइड है, कितने में डिवाइड है, तीन में। तो सबसे बड़ा होता है जिला परिषद, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, सबसे पहला कौन होता है, जिला परिषद, फिर पंचायत समिति होता है, ब्लॉक लेवल पे होता है, राइट, जिसमें 5, 6, 10, 12 गांव आता है, और फिर होता है ग्राम पंचायत जो हर एक लेवल का, हर एक गांव का होता है। तो जिला परिषद सबसे बड़ा है, राइट, एपेक्स से गांव का सबसे बड़ा, राइट। और जिला परिषद में कौन संभालता है, उसका प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट संभालता है, और उसकी कमेटी क्या क्या काम करती है, फाइनेंस, पब्लिक वर्क, एग्रीकल्चर, ये सब काम करती है, राइट। फिर पंचायत समिति आती है, राइट, जिसमें BDO आता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स आते हैं, चेयरपर्सन होता है, राइट, जो तालुका लेवल संभालता है, और ग्राम पंचायत जो हर गाँव का संभालता है, राइट, जिसमें सरपंच होता है, ग्राम सेवक होता है। तो ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा किसका, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, राइट। ये गांव खेड़े में गवर्नमेंट है ताकि गांव का डेवलपमेंट हो, संभाले, विलेजर लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करे। दो लाइन ये डाला, इस सबके पर एक एक लाइन लिख दिया। फिर बाद में एक पन्ना क्या लिखेंगे, यही पॉइंट डाल देंगे, ऑब्लिगेटरी फंक्शन, चाहे गांव का गवर्नमेंट हो या शहर का, उनको ये सब काम करना पड़ता है ना यार। तो ये पॉइंट तुमको लिखना ही है, कोई भी आ जावे गवर्नमेंट, ओके, ये सब पॉइंट तुमको लिख देने का है।
इस तरह तुम्हारा दो आंसर कवर हुआ ये वीडियो में, एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, एक अर्बन वाला पढ़े जिसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, मेयर, डेप्यूटी मेयर, म्यूनिसिपल काउंसिल आता है, और एक लोकल गवर्नमेंट पढ़े। क्या पढ़े? लोकल गवर्नमेंट पढ़े। रूरल बोले तो कौन होता है? गाँव खेड़ेगा। ठीक है, तो दो आंसर एक वीडियो में तुम्हारा मैंने कवर कर दिया। ठीक है, और भी आंसर से मैं तुमको करा दूंगा। ठीक है, थैंक यू।